हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab² इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। यह हमारा एक सरसमका का विस्तृत रूप है, ए प्लस बी का होल क्यूब का तो हो जाएगा a³ + b³ + 3ab। फर्स्ट में ए प्लस बी होगा। इसी को हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में तोड़ेंगे या इस रूप में इसका मान और इसका गुणनखंड निकाल के दिखाएंगे। तो हम ए क्यूब की जगह पे 8a³ को तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 2a³ + b को तोड़ेंगे तो b का होल क्यूब हो जाएगा +3a। ए की जगह पे 2a और b की जगह पे हमारा b होगा। और इस ब्रैकेट में a का मान है 2a और प्लस b का मान है b। इसको हम देखेंगे 2a³ + b³ + 3 × 6ab ब्रैकेट में 2ab+b होगा। इसमें देखेंगे हमारा यहाँ पे 2a³ या b³ × 6 × 12a²b। यहाँ पे पूरा करेंगे तो 6ab² हमारा यह इस रूप में है। इसमें हमारा a का मान है 2a और b का मान है b का होल क्यू होगा। यही हमारा क्या होगा, इसका गुणनखंड। इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 2a+b, 2a+b, 2a+b। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8a³ + b³ - 12a²b + 6ab² दिया है। इसका हमें गुणनखंड करना है। ये माइनस वाले फार्मूले पे है, ये प्लस वाले पे भी हल हो जाएगा लेकिन माइनस वाले पे कर रहे हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस पे हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2a का क्यूब होगा माइनस बी को तोड़ेंगे तो बी का क्यूब माइनस 3a का मान है हमारा 2a और बी का मान है हमारा बी का बी है और ब्रैकेट में हमारा क्या है 2a-b। यह होगा, इसको हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2a³ - b³ - 3 × 6ab ब्रैकेट में 2a-b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a का मान है 2a और b का मान होगा हमारा माइनस का b का होल क्यूब। इसी का हमारा यह विस्तृत रूप है तो यही हमारा इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसको 2a-b 3 बार लिख सकते हैं, 2a-b, 2a-b। यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे,
27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर दिया है। इसको हल करेंगे हमारा 27 का हो जाएगा 3 ए क्यूब माइनस यहाँ हमारा हो जाएगा 5 ए का क्यूब माइनस यहाँ 3 ए का मान होगा 3 और बी का मान होगा 5 ए ब्रैकेट में ए का मान होगा 3 माइनस बी का मान होगा 5 ए। इसको हम लिखेंगे, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इधर ए का मान है 3 और बी का मान है 5 ए का होल क्यूब। ए को तीन बार लिख सकते हैं, 3 ए 5 ए और 3 माइनस 5 ए 3 माइनस 5 ए हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ये भी हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूले पे यूज होगा, सरसम का पे जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अब इसको ए क्यूब के जगह पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 ए का पर 3 घात माइनस ए बी के जगह क्या होगा, 3 बी का 3 घात माइनस 3 ए का मान 4 ए और बी का मान 3 बी। यह है तो ब्रैकेट में ए का मान 4 ए माइनस बी का मान 3 बी। ए हमारा किस सरसंख्या का रूप है, ए माइनस बी क्यू का, तो ए का हमारा यहाँ पे 4 ए है और माइनस बी का 3 बी है, इसका होल क्यूब हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसको तीन बार भी लिख सकते हैं, 4 ए माइनस 3 बी 4 ए माइनस 3 बी 4 ए माइनस 3 बी, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 पी क्यू माइनस 1 बटा 216 माइनस 9 बटा 2 पी स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 पी। इसको हम सरसंख्या में हल करेंगे तो हमारा ए बी ए माइनस बी का होल क्यूब पे है, तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 3 पी का होल क्यूब माइनस 1 बटा 216 6 का क्यूब है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 ए का मान हमारा है 3 पी और बी का मान है 1 बटा 6 और ब्रैकेट में आएगा ए का मान है 3 पी और माइनस 1 बटा 6 बी का मान है। ये हमारा सरसम का कौन सी बनने है, 3 पी माइनस 1 बटा 6 पर 3 घात। इसको हम तीन बार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे तब भी हमारा क्या सही है आंसर है ये हमारा।